हेलो दोस्तों, मैं साहू, साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस शेयर के बारे में। पिछले वीडियो में बजाज फाइनेंस शेयर के बारे में बात किए थे, आज भी उसी वीडियो में और एक नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं। बजाज फाइनेंस का चार्ट पढ़ेंगे और क्या रहेगा मोमेंट, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो बजाज फाइनेंस शेयर अभी का जो स्ट्रेटेजी देख पा रहे हैं, 6144 में अभी क्लोजिंग दिया है, 6400। अभी इसका जो हम पिछले वीडियो में बात किए थे, अगर 6500 ब्रेकआउट देता है ये जो हाई, ये ब्रेकआउट देने के बाद नीचे 6000, ये सपोर्ट, मेन सपोर्ट लेवल 6000। अगर 6000 अगर ब्रेकआउट देता है तो कम से कम इसका हाई यहाँ पर देख सकते हैं, इस पोजीशन में ये हाई कम से कम 5700 हो गया आपका सपोर्ट। अभी की नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रहा है 6000 मेन सपोर्ट, मैं पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि जो मेन सपोर्ट इसलिए है कि 6000 के आसपास में बहुत बार रेजिस्टेंस लिया, वहाँ सपोर्ट भी लिया, बहुत बार रुका भी है। उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया 6000, तो 6000 के बाद 7500 तक मूवमेंट किया था। तो मार्केट इसी के चलते क्रैश हो रहा है कि वार चल रहा है, वर्ल्ड वार चल रहा है, बाहर के कंट्री के साथ वार चल रहा है। वहाँ पर क्या होता है ना, जो FI होता है, बड़ा बड़ा प्लेयर होता है, वो सेलिंग करते हैं मार्केट में पैसा, इसी के लिए हमारा मार्केट में ज़्यादातर गिरावट देखने को मिलता है। जो फॉरेन इन्वेस्टर है हमारा मार्केट में, उनका इन्वेस्टमेंट होता है, वही इन्वेस्टमेंट अगर वो निकाल देते हैं तो यस गिरावट देखने को मिलता है। तो ये रहा वीडियो में, यही बोलना चाहता था। बजाज फाइनेंस का जो मेन सपोर्ट है 6000, 6000 अगर ब्रेकआउट देता है तो 5700 मोस्ट भी इम्पोर्टेंट लेवल। ये रहा बजाज फाइनेंस, अगर यहाँ से अगर मोमेंट देता है तो आपको सेम लेवल 6500 हो गया रेजिस्टेंस, वहाँ तक पहुँचेगा, और 6500 के बाद 7000। तो ये रेजिस्टेंस लेवल, ये सपोर्ट लेवल बजाज फाइनेंस का। तो बजाज फाइनेंस शेयर को होल्डिंग करें, लॉन्ग टर्म व्यू के लिए बहुत बढ़िया शेयर है। ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।